तो इस तरह से बच्चे को ना आगे थोड़ा चलाना पड़ता है। ऐसा ना करना कि बच्चा आए पढ़ के बस्ता उधर मारे जाके चलो जिधर खेलने चला गया। खेलने के लिए भी उसको टाइम दो, लेकिन उसका हिसाब किताब जरूर लो। क्यों? और हमारे लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड तो हैं। 1 अगस्त 2024 एक फैसला दिता जोरे चुने आख्या कि जिहड़ा संविधान कोर पर सानू SC ST दी कोटा लभदा उहदे च सब क्लासीफिकेशन कीती जाए। उहदे च एक साड़े गए बड़े दलित समाज दे जज बैठे थे, उन्हें आखी उड़िया कि इहदे च क्रीमी लेयर भी लानी चाहीदी। मैं उन्हें यही पुछना चाहना कि जदों क्रीम गै नहीं तो तुहें लेयर कुछ लानी है। पहला किश होवे तो सही, क्रीमी लेयर का मतलब यही है कि 8 लाख जिन्ना OBC वाला मनिए चलो जिहड़ा परिवार 8 लाख तो ज्यादा कमाता है, मैं लगता अगर कोई प्यून भी लगता है 20 साल की नौकरी अगर जो उन्होंने बच्चे जवान होंगे 8 लाख तो नहीं भी तनखाह टुरी जाती है। यदा मतलब एक चपड़ासी का बच्चा भी रेजरवेशन लेने का हकदार नहीं रोग अगर एक क्रीमी लेयर लगी जाती है। ये एक ऐसी शिक्षा थी, ऐसा आदमी हा, ऐसा लीडर हा, ऐसा नेता हा जेड़ा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुड़े रहा। पिछले बड़ी जदोजहद की, जेलें चबरे भुख हड़ताल भी की, लेकिन पिछे नहीं हटे। गोलियां खादियां, अज भी जिया जागदा सबूत है अमृतसर जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने, मैं इतना रहा आई विल कम, जनरल डायर ने अत्याचार किया, निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाईया और किताब लई, किताब के उपर पस्तौन रखिया, उसे कटे ही किया, कटे करिए किताब बिच पस्तौन लीजिए अंदर गया। चाहता तो दस ही सकता, भगदौड़ पे ही लेकर नस्या नहीं। मैं मेरे दिल की गल कर रहा हूँ, नस्या नहीं, उसने कहा मैंने गोली मारी है, ये मेरे पास गोली है, उसी उसे फांसी दिता गया। उनके बिचा गया अच 60 साल पहले असें एक मजदूर और किसान नेता जरा गुआई हुई। मैं रिटायर शुभदर मेजर रमेश सरगोत्रा, प्रेजिडेंट ऑफ बटवाल महासभा जम्मू एंड कश्मीर। आज बटवार बरादरी गांव छमैलपुर मढ़ ब्लाक के अंदर पूरी इकट्ठी हुई है। बटवाल जगो राम जी की पुण्यतिथि जो 67वीं मनाई जा रही है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पूरी बरादरी पहुंची है। और मैं पूरी जनता से अपील की थी कि आप सभी अपने साथ पूरे परिवार को लेकर यहाँ पर आए, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पूरी बरादर जो है एक प्लेटफार्म पर पहुँची है, क्योंकि स्वर्गीय जगो राम जी ने हमारे समाज के लिए बहुत ही बढ़ चढ़िए काम किया था, जिसकी के सराहना मैं आज नहीं कर सकता हूँ। और मैं आपके माध्यम से पूरी समाज को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के बिना आज ब्लाइंड है इंसान, अपने बच्चों को शिक्षा की प्रदान कराएं, चाहे आपको खाने के लिए रोटी में खर्चा कम करना पड़े, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बाल महासभा जम्मू एंड कश्मीर और चेयरमैन बटवाल जगो राम मेमोरियल ट्रस्ट,
आज हमने जहां कटवाल जग्गो राम जी की 67th जो परिनिर्वाण दिवस है वो मनाया है, उनको श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि हम भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमने इनसे प्रेरणा ली है। जो काम आज हम इनके बारे में, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था उससे पहले इनकी डेथ हो चुकी थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 60 की है और ये 57 में डेथ हो गए थे। सो जब हम इनकी हिस्ट्री सुनते हैं, इनके जो कारनामे सुनते हैं, तो हमारे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब का टाइम और आज का टाइम बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो काम उन्होंने किए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पर चल के समाज की बेहतरी के लिए, समाज के लिए। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये संस्था एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है और ये समाज की भलाई के लिए, जैसे मेरे प्रेरण ने बोला था कि जहाँ जो भी मैरिज डिस्प्यूट आते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो लोग कोर्ट में ना जाएं। कोर्ट में भी हमने देखा है 6 साल के बाद कोर्ट एक बार फिर बोलता है कि आप अपने भाईचारे के पास जाइए। चीफ इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन, हमारा जो आज का था मेन परिमाण दिवस, जो जग्गो राम जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, रिजर्वेशन राइट्स के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, मेरा समाज को अभी इतना फायदा नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे इतने एजुकेट नहीं हुए हैं। हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि बच्चों को एजुकेट किया जाए और जो भी राइट्स हैं जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हैं वो मिल सके। और अपने समाज से भी यही अपील है कि जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, राइट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी से मेरा यही निवेदन है कि जो एक नॉन पॉलिटिकल एनजीओ है हमारी बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन, सिर्फ अपने लोगों के लिए और अपने समाज के लोगों के लिए, दूसरी बरादरियों के साथ भी हम मिलजुल के चलते हैं और उनके जो भी राइट्स होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, रिजर्वेशन राइट्स हैं, उनके लिए हमारा मेन फोकस रहता है, उनको कैसे सेव किया जाए। जय हिंद जय भारत। आज वीरेश जी आप जी दे चैनल के माध्यम करना जिहड़ी साड़ी बटवाल बिरादरी, बटवाल महासभा जम्मू एंड कश्मीर, इन्हें एक प्रोग्राम रखा है बटवाल जग्गो राम जी का, उदे अज 67 डैथ एनिवर्सरी ही, उनकी पुण्यतिथि पर इन्हें एक लंगर का प्रवादान भी किया था। और अज का जोड़ा दिहाड़ा हा, बारिश सवेरे बड़ी बारिश हुई, इस जी टीम है बटवाल महासभा जम्मू एंड कश्मीर, इनके जो प्रधान रमेश जी होइए, राम लाल पोतरा जी होइए, जी इन टीम है, बड़ा बड़ी चढ़ी काम किया। और एक उन्हें एक मैसेज दिता अज मढ़ ब्लॉक की कि हाँ भाई, बड़े बड़े लोगों के घर बड़े बड़े जगह बड़ी बड़ी दुनिया जाती है, मगर एक जिहड़ा जिहड़ा एक कुरबानी जिन्हें दिती, एक बलिदान दिता जिन्हें अपनी कौम बिरादरी वास्ते, उनके अज पुण्यतिथि पर वो कुछ लोग नहीं आ पाए। और उनका एक ऑब्जेक्शन हाँ, वो लोगों अगे एक क्रिटिसाइज करा रहे हैं, कई लोगों सुनने आया, कई लोग इतने भी आखा दे कि सानू मना किया जा रहा, तो अगर ये साड़ी कौम बिरादरी बिच अगर एकता नहीं हो पता क्या चलग। दूसरा नंबर मैं ये भी एक आप जी के चैनल के माध्यम करना मैं मैसेज देना चाहना कि जिन्हें भी साथी जुथू जुथू लोग आए हैं, मैं पूरी बिरादरी दी, पूरे मढ़ ब्लॉक दी, जिनी साड़ी कौम बिरादरी के जिन्हें लोग आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और उन्होंने
ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਬਰਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਈਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਲਖੋਤਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਟਵਾਲ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਯੂਥ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੈਸਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਕੌਮ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ ਜਬ 1930-32 ਮੇਂ ਜਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਮੇਂ ਜਬ ਹੁਆ ਥਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਟੀਮ ਕੇ ਏਕ ਹਮਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਥੇ ਬਟਵਾਲ ਜੱਗੋ ਰਾਮ ਕੈਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਵਹੀ ਜੈਸਾ ਹਮਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਨਕੇ ਤਿਆਗ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਇਨਕਾ 67th ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਆਜ ਹਮ ਇਨਕੋ ਸ਼ਤ ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਯਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਸਵਰਗ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵਹਾਂ ਸਵਰਗ ਮੇਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਨਕੋ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਹਮ ਆਗੇ ਬੜ ਚੜ ਕੇ ਉਨਕੋ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੇ ਉਨਕੇ ਦਿਨ ਕੋ ਮਨਾਏਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਮ ਵੋ 1957 ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਾਮ ਵੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਗਏ ਹਮ ਆਜ ਵੀ ਉਨਕੇ ਪਾਉਂ ਕੀ ਧੂਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਥੇ ਆਜ ਉਨਕੋ 67ਵੀਂ ਉਨਕੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਪੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਤੇ ਹਾਂ।